दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप कभी अपने कॉलेज में या अपने स्कूल में कभी फेल हुए हैं किसी सब्जेक्ट में? अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली की एक महिला जिनका नाम श्रुति शर्मा है, जिन्होंने UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करके असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर रक्षा मंत्रालय में कार्यरत है। दोस्तों मैं उनकी लाइफ के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों कोलकाता से दिल्ली आने के बाद जब उन्होंने BTech के कॉलेज में एडमिशन लिया तो वो फर्स्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो गए थे और सेकंड ईयर में 3 सब्जेक्ट्स में फेल हो गए थे। तो इस तरह से वो टोटल 5 सब्जेक्ट्स में फेल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने सारे सब्जेक्ट्स को क्लियर करके 2014 में UPSC का एग्ज़ाम दिया, लेकिन वहाँ पर वो 2 मार्क्स से एग्ज़ाम क्लियर होने से रह गया। लेकिन उन्होंने फिर दोबारा मेहनत की और इतनी मेहनत करी 2015 में फिर एग्ज़ाम दिया, फिर भी इस बार वो 7 मार्क्स से रह गए। फिर 2015 में उनके पिताजी का देहांत हो गया, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में आ गई और सदमे में आ गई और अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगी। जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को संभाला, फिर खड़ी हुई और फिर मेहनत की और इस बार उन्होंने UPSC का एग्ज़ाम 2016 में क्रैक कर लिया। दोस्तों इस कहानी का मोरल ये है, नेवर गिव अप। हमें हमेशा अपना काम करते रहना चाहिए और हमेशा खूब मेहनत करनी चाहिए, जिससे कि हमारी मेहनत एक ना एक दिन जाकर सफल जरूर होती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।